स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की हमारी जर्नी हो रही है 02198 जबलपुर कोयंबटूर सुपर फास्ट स्पेशल में। ये गाड़ी हफ्ते के केवल एक दिन शुक्रवार को हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से जोड़ती है। इस गाड़ी का जबलपुर में टाइम है 23:50 और अपने 38:50 के लगातार रन के बाद अपने तीसरे दिन ये गाड़ी हमको तमिलनाडु के कोयंबटूर में पहुंचाती है 14:40 पे। इस गाड़ी में आपको फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल की सुविधाएं मिलेंगी। टोटल ये गाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर से तमिलनाडु कोयंबटूर तक 25-18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपने 31 हॉल्ट के साथ 6 स्टेट्स को कवर करते हुए जबलपुर से कोयंबटूर पहुंचाती है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे 6 स्टेट्स बताऊंगा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। इसी वीडियो में सारे 6 स्टेट्स के आपको पॉपुलेशन बताऊंगा किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। सारी चीज़ें इस वीडियो के पूरे मैंने 3 पार्ट बनाया हूँ, सारी जर्नी कवर किया हूँ। डिटेल में वीडियो बनी है, उसलिए थोड़ी लंबी लंबी वीडियोज बनी है। आप सारी जर्नी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पर क्लिक करके दूसरी लिंक पर और तीसरी लिंक पर तीनों वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपसे और बताऊंगा, इस जर्नी में मैंने स्लीपर में टिकट कराया था लेकिन मुझको अपग्रेड करके थर्ड एसी में दिया गया। मैंने इस जर्नी में दिया था 1060 रुपये लेकिन मैं जर्नी कर रहा हूँ 2660 रुपये में। मतलब 2660 रुपये देने नहीं पड़े मुझको, 1000 ही दिया लेकिन मैं थर्ड एसी में ट्रेवल कर रहा हूँ। कैसे, आप ये वीडियो के सारे पार्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस गाड़ी में अगर आप ट्रेवल करते हैं ना तो जैसा मेरे साथ हुआ सेम आपके साथ भी होगा। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं अनगिनत ब्रिजेस देखे हैं भाई। क्या रूट है इस गाड़ी का, आप अगर ट्रेवल करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और इस गाड़ी में पेंट्री कार तो है नहीं, तो खाने की समस्या थोड़ी बहुत है। मैंने अपने घर से लेके चला था, जो भी चीज खाया हूँ बिहार का फेमस लिट्टी और पूरी सब्जी चावल, सारी चीजें आपको दिखाया हूँ, सब कुछ आपको बताया हूँ। आप भी इस गाड़ी में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों पार्ट जरूर देखना है वीडियो का। अच्छा, अगर आपको जबलपुर से कोयंबटूर तक जाना है तो केवल 2 ही गाड़ी हैं हमको, मतलब जबलपुर से कोयंबटूर तक जाने के लिए। एक ये वाली जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं और दूसरी गाड़ी एक और है जो पटना से एर्नाकुलम तक चलती है, और वो गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है भाई। इसमें हमने दिए हैं 1060 रुपये, उस गाड़ी में आप देंगे जबलपुर से कोयंबटूर तक का केवल 810 रुपये। सोचो, यहाँ से 200 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है और सुविधाएं उतनी नहीं है, वो प्रीमियम गाड़ी है अगर आप उसमें ट्रेवल करते हैं तो। अब मुझको उसमें टिकट मिली नहीं थी, उसमें पेंट्री कार सब कुछ है, तो मैंने आपको इसी गाड़ी से पूरा ट्रेवल दिखाया हूँ। गोवा के नज़ारे, केरला के नज़ारे, कर्नाटका के नज़ारे, मध्य प्रदेश के नज़ारे, सब के नज़ारे दिखाया हूँ आपको। मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। और सारे पार्ट्स देखिए क्योंकि पूरे यूट्यूब पे यकीन मानिए ऐसी वीडियोस कोई नहीं बनाया है जितनी मेहनत के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूँ। एंजॉय कीजिए तीनों पार्ट्स। और एक बात जान के मेरे को बड़ी हैरानी होती है, ये स्पेशल गाड़ी में हमने 200 रुपये एक्स्ट्रा तो दिए ही हैं, साथ में हमारी 38 घंटे की जर्नी को ये गाड़ी लगभग 7 घंटे डिले हुई तो हमको 45 घंटे में पहुंचाई। और वो जो हमारी पटना से एर्नाकुलम तक चलती है वो केवल 34 घंटे में आपको जबलपुर से कोयंबटूर तक पहुंचाती है। तो अगर आपको टिकट उसमें मिल रही तो भाई उसी में कीजिए, इस गाड़ी में मत जाइए ऐसा मैं बोलता हूं। बाकी फिर भी आप देख लीजिए इस गाड़ी के नज़ारे क्या हैं और फैसिलिटीज क्या हैं और मजे क्या हैं। मडगांव से जो कई पैसेंजर्स चढ़े हैं ना, अब मुझको लगता है सब तेलुगु बोल रहे हैं या फिर कन्नड़, क्योंकि मुझको लैंग्वेज तो समझ में आ नहीं रही है। इसके पहले हमारे साथ एक को पैसेंजर है जबलपुर से बैठे हुए हैं, वो तो बिल्कुल चुप हैं, सिंगल आई हैं भाई, पूरा कोयंबटूर तक जाएंगी अकेले और कुछ बोल ही नहीं रही हैं, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं है। और मडगांव से भी कई सारे चढ़ गए हैं पैसेंजर हमारे कंपार्टमेंट में, वो भी पूरा कोयंबटूर तक जाएंगे, उनको भी हिंदी नहीं आ रही है। लीजिए जी, कारवार आ गया। खाली खाली प्लेटफॉर्म है, आगे हो सकता है भरा भरा दिखेगा थोड़ा आपको। कारवार उत्तर, कारवार का स्टेशन कोड है KAWR जो कि कारवार सिटी में आता है। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तभी वो अलग ही समझ में आ रहा है आपको। मुझको लगता है जो रिवर मिली ना हमको, काली रिवर मिली थी वो इसके पहले 1994 में ये प्लेटफॉर्म ओपन हुआ था। देखिए यहाँ से थोड़ा ठीक दिख रहा है, खूबसूरती अलग है,
इस तरफ के प्लेटफॉर्म की, और ये पहला स्टेशन है जो हम लोग कर्नाटका में एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि इसके पहले हम थे गोवा में। ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं कुछ पैसेंजर। रुकेगा रुकेगा, गाड़ी रुकेगा, चिंता मत कीजिए। आइए आइए आइए। अरे सर रुकेगी गाड़ी। ओके रुकेगा। कई पैसेंजर्स को देख के लगता है कि जनरल में चढ़ रहे हैं एकदम। थोड़ा इंतज़ार तो करना चाहिए। रुकेगा मैम, रुकेगा गाड़ी, रुकेगा, होल्ड। लीजिए जी, कारवार में आ गए। इतनी तेज़ यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं और हिंदी बोल रहे तो समझ में भी नहीं आ रहा। मैं बोल रहा रुकेगा रुकेगा तो वो लोग हैं हैं, या तो इंग्लिश आती है या तो फिर कन्नड़ या फिर तेलुगू बोलेंगे। कन्नड़ तो कन्नड़ यहाँ पे बोलेंगे, आगे हम लोग जितना बढ़ते जाएंगे तेलुगू बोलते जाएंगे लोग। बढ़िया लेकिन रेलवे स्टेशन है, खुला खुला है, सामने जो पहाड़ दिख रहा है पूरा दूधिया दूधिया दिख रहा है। और इस तरफ के स्टेशन में ना ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं 15, 16, 17। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है 14। ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे वो डिस्प्ले जो चलता है ना वो नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसे बोगी लगा के रखे नंबर्स में। यहाँ ज़्यादा देर तक गाड़ी रुकना नहीं था, केवल 2 ही मिनट का होल्ड था, उसीलिए थोड़ा लोग दौड़ भी रहे थे। इसके बाद जो स्टेशन आएगा ना वो थोड़ा बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ पे गाड़ी हमारी रुकेगी 5 मिनट। हॉन्किंग हो गई है गाड़ी की, अभी जस्ट उतरा हूँ, थोड़ी बहुत बात जितनी बात किया उतना ही। ग्रीन सिग्नल हो गया, सुनाई दिया इसी गाड़ी की हॉन्किंग। ये जो लगे हुए हैं देखिए बोर्ड, ये 16 निकल गया, आगे में 17 दिख रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक है शायद। पता नहीं बोगी इसके हिसाब से लगती होगी नहीं लगती होगी, इसमें उतना समझ में मुझको तो नहीं लगता कि आता होगा, क्योंकि जैसे S1, S2 ऐसे लिखता है तो समझ में आता है, इसमें तो पता नहीं ये किस हिसाब से लिखा। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उतरने वाले तो खैर थे नहीं यहाँ से, चढ़ने ही वाले ज़्यादा चढ़े, बहुत कम जनरल से एक दो लोग उतरे। देखिए ये जो आए हैं ना ये जनरल वाले उतरे हैं, बाकी चढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ मुझको देखा कि 3rd AC में ही बोर्ड किए हैं या फिर चढ़े हैं बोल सकते हैं। देखिए 23 आ गया, ये है हमारा लास्ट 24। ये किस हिसाब से लिखा रहता है बताइएगा, क्योंकि मतलब तो रहेगा नहीं इसका, मुझको ऐसा लग रहा है। कारवाड़ फिनिश। मडगांव से निकलने के बाद टनल की तो कोई गिनती नहीं है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, लगातार टनल्स आ रही हैं और बहुत लंबी लंबी टनल्स आ रही हैं। उसके बाद जो सेक्शन मिलता है देखने में, जो पेड़ पौधे देखने मिल रहे हैं वही 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 मिल रहे हैं। मैं अगर शूट करता जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो पूरी चीज़ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ा दिखा रहा हूँ। आप ये मानिए कि यहाँ की खूबसूरती ना सॉरी ट्रैक साउंड कितना आ रहा है। अभी कोंकण रेलवे में हूँ मैं, बहुत शानदार खूबसूरती है यहाँ की। देखता हूँ एक दो टनल मिलता है आपको तो दिखाता हूँ कैसी दिखती है। बहुत ज़बरदस्त हरियाली है यार यहाँ, बहुत खूबसूरत। कोंकण रेलवे में आपका स्वागत है। ये है पानी, ये कुछ सामान वामान रखा हुआ है। मडगांव 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 के बाद से कुछ कुछ आए हैं चाय पानी वाले, समोसे वाले, थोड़ा बहुत पूछने को। बाद में बात करता हूँ बाद में, बस इतना बता रहा था कि मडगांव ना, मडगांव के बाद बहुत सारे आ रहे हैं चाय के लिए, पानी के लिए। हालांकि पानी लोकल मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, खूबसूरती है यार। देखिए ना देखिए ना, मैं रिपीट में ही आपको क्या क्या वही वही दिखाऊं बार बार। इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वही 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 वही। यहाँ पे हमको सीट मिल गई है ये वाली, इसी सीट पे बैठे हुए हैं और नज़ारे देख रहे हैं। निकल गया एक टनल, ये निकल गई। अब टनल शूट करने के लिए ना यहीं पे बैठे रहना पड़ेगा या खड़े रहना पड़ेगा, और गाड़ी इतनी फास्ट चलती है ना भाई कि बहुत रिस्की रहता है यहाँ पे खड़ा होना।
थोड़ा बहुत आपको दिखाने का मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा। देखिए स्लीपर में क्या है, सीट पे बैठे रहते हैं, जैसे ही आया निकाल के मोबाइल दिखा दिए। थर्ड एसी में ऐसा हो नहीं सकता, गेट पे खड़े रहना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा झमेला रहता है, इसीलिए कई मूवमेंट्स में आपको नहीं दिखा पाता। टनल भी उन्हीं में से एक मूवमेंट हो रहा है मेरे लिए। छोटी सी रिवर आई, फिनिश ही हो गई। ये थी आपकी एक और टनल। जब टनल में गाड़ी घूम जाती है तब पता चलता है, तब कैमरा ऑन करता हूँ, तो दोनों टाइम आपको मिला ना, तो निकलते ही समय देखने मिला, क्योंकि गेट पे खड़े होकर कब तक मैं झांकता रहूँगा कि टनल आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रैक का साउंड बहुत खूबसूरत आ रहा है। हरियाली के तो क्या कहने यार। देखिए आप, लाइन से लगे हुए हैं यही सारे पेड़। ये कंपार्टमेंट मैंने आपको नहीं दिखाया हूँ अब तक, अभी देख लीजिए आप। ये डोर है, डोर के बाद अब क्योंकि ये ICF कोच है तो ये वाला आपको थोड़ा सा पुराना टाइप का दिखेगा। यहाँ पे कुछ कुछ सामान वान है और AC का देखिए सब बटने हैं, ये है AC का बटने। कई जगह आप LHP में देखेंगे तो यहाँ पे वो लोग रखते हैं जो बेडरोल है वो सब रखते हैं। इस तरफ भी यही किस्सा है, इस तरफ भी यही किस्सा है सेम। और जो बेडरोल रखा गया है, ये स्पेस मिला है इस तरफ में, बेडरोल रखा गया मैंने आपको दिखाया था। बाकी अगर LHB कोचेस में आप देखते हैं, मैंने कई थर्ड AC में किया हूँ सफ़र, तो यहाँ पे इस तरफ में दिखाते हैं जो ये वाला हिस्सा है ना, पूरा ये पैक रहता है, बटने बटने बहुत सारी रहते हैं। इस तरफ भी हैं हालांकि, लेकिन कम है, बहुत कम है। इस तरफ तो ये है और इस तरफ अपना पानी वाला सेक्शन है, और बाकी वही फिर इस तरफ नॉर्मल सा है। ये इसको बोलते मेरे को नहीं आता है, फायर डिस्क विंगर शायद बोलते हैं। एक ये रखा हुआ है और एक वो रखा हुआ है सामने। आज हम लोग हैं अपनी जर्नी के थर्ड डे में, और थर्ड सबसे पहले दिन मैंने खाया पूरी सब्जी, उसके बाद दोबारा भी पूरी सब्जी, उसके बाद थर्ड टाइम मैंने खाया पूरी सब्जी, फिर राइस खाया था भुजा हुआ राइस, उसके बाद अब मैंने निकाला हूँ फाइनली अपना ब्रह्मास्त्र। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको, ये है लिट्टी, इसका नाम है बिहार का फेमस। अब क्योंकि ये ज़्यादा दिन चल सकता है उसीलिए इसको मैंने लास्ट में बचा के रखा था, क्योंकि पूरी सब्जी अब तक रखता तो आज तीसरा दिन है निपट जाता, ख़राब ही हो जाता। वो चावल जो रखा था फ्राइड करके वो भी ख़राब ही हो जाता, लेकिन ये ख़राब होने वाले में से नहीं है। ये अभी भी चलेगा, दिन में भी चल जाएगा और मे भी शाम तक भी चल पाएगा। तो ये पहला बाइट अब मैं इसका लूँगा, श्री सीताराम। मैं सोच रहा था कि स्टेशन से चाय पीने मिलेगा, लेकिन चाय पी नहीं पाए। एक दो आ रहे हैं लेकिन बोला मेरे को मन नहीं करता है पीने का, जो मशीन में से निकलता वही पीता हूँ। देखूंगा अगर कोई बड़ा स्टेशन आएगा तो वहाँ से पीऊँगा। ऐसे ही मैं बहुत टेस्टी लगता है, अभी खाता हूँ इसमें क्या है। सत्तू भरा रहता है और इसमें खटाई रहती है, उसलिए ये ख़राब नहीं होता, मैंने आपको बार बार बताया हूँ। जब मैं सफ़र पर रहता हूँ तो शुरुआत के 3 दिन तो इसी को खाता हूँ, तो ये बहुत सही चीज़ है। इस बार मैंने लिमिटेड स्टॉक लाया हूँ, क्योंकि पहली बार लाया था तो बहुत ज़्यादा हो गया था, सेकंड टाइम लाया था तो 4-5 पे एक्स्ट्रा हुए थे, लेकिन इस बार मेरे को नहीं लगता ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, इस बार हो सकता है कम ही पड़ जाए। तो ऐसे अभी 3-4 तो खाएंगे, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। उठा मैं सुबह 6 बजे से हूँ, लेकिन नाश्ता कितने बजे हो रहा है, 9:33। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला, टाइम मिला भी, थोड़ा बहुत स्टेशन भी दिखाना था, और थोड़ी देर से करेंगे, तो अभी मौका बना। 9:33 पर नाश्ता हो रहा है, ट्रेन अभी भी लेट चल रही है, 7:13। कोयम्बटूर का टाइम अभी तक 8 बजे दिखा रहा है, देखते हैं कितने बजे पहुँचता है। मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं सब तेलुगू कन्नड़ चल रहा है, अपने को पता नहीं क्या चल रहा है। अगेन कोई सी रेवर आई भाई, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रहा है,
आधी चीज तो दूरी से निकल जाती है सीट पे बैठे ही बैठे, क्या बताऊं मैं आपको। खूबसूरती लेकिन ओवरलोडेड है यहाँ की। पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, यही वाले, सिर्फ यही वाले। फिनिश ही हो गया, बताइए कितना चीज़ तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया वो नदी के बारे में। ओह माय गॉड, शारावती थी भाई। देखिए इस रूट पे हम कर रहे हैं पहली बार ट्रैवल, तो पहली बार में कई चीज़ें समझ में नहीं आती है, दोबारा में जब आएंगे ना तो फिर पता रहेगा, तो फिर हम पहले से खड़े होके सारी चीज़ें अच्छे से दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि पहली बार में कई चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। अभी मैं वैसे भी नाश्ता कर रहा था, वही आपको दिखाना, लिट्टी जस्ट अभी खा ही रहा था, सिर्फ दो ही खाया, अभी और जाके खाऊंगा। और थोड़ा अपने को पैसेंजर से बात भी कर रहा था, वो लोग तेलुगु बोल रहे हैं ना, वो कन्नड़ नहीं तेलुगु, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी में कन्वर्सेशन करके बात चल रही थी। उसी बीच में ये शारावती नदी आ गई, आधी निकल गई आधी दिखा पाई, ठीक है थोड़ी सी तो दिखाए ना यार आपको, नहीं बहुत। पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है ये। हेलो, मार्किंग यहाँ भी वैसी की गई जैसे मैं आपको लास्ट प्लेटफॉर्म पे बता रहा था, दो मिनट ही रुकेगी। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बस स्टैंड है ये। गर्मी में बाबा हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। जैसा ये प्लेटफॉर्म ओपन है ना, वैसा यहाँ के सारे जहाँ जहाँ पे दो दो मिनट के हॉल्ट हैं सारे ओपन हैं। मैंने इसके पहले दो स्टेशन और स्किप किया, इसको आपको दिखा दिया कि एक आपको आइडिया लगेगा कैसे हैं। सेम इसी तरह के हैं सारे। कुछ कुछ पैसेंजर्स तो यहाँ भी उतर रहे हैं। यहीं पे सामने लगी है मुर्देश्वर यशवंतपुर लखनऊ। हम जैसे ही आए हैं वैसे ही ये गाड़ी यहाँ से जा रही है। यहाँ की खूबसूरती अलग है यार, मैं देख रहा हूँ स्टेशन सारे ऐसे ही ओपन ओपन हैं, और दो स्टेशन मैंने स्किप भी कर दिया, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा ये कर्नाटका में आता है उडीपू, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। कितना हल्ला कर रहा है लास्ट डिप्पी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के, और ये कर्नाटका का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में एक है उडुपी, और टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कर्नाटका का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है। विकिपीडिया में मैंने पढ़ा यहाँ का कृष्णा टेंपल बहुत फेमस है। अब कितना फेमस है आपको अगर पता हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और उडुपी को टेंपल सिटी भी कहते हैं कर्नाटका का। लीजिए एक और टनल के मज़े लीजिए आप, इसमें थोड़ी लाइट्स भी लगी हुई हैं, और पता नहीं कितना लंबा है ये, थोड़ा सा तो लंबा है। देखिए आप पूरा कर्व आपको इस तरफ भी दिखेगा, सामने का नज़ारा देखिए, और आप ये पीछे का नज़ारा देखिए गाड़ी का पूरा कर्व में। कितनी चीज़ तो मैंने छोड़ दिया भाई, क्या क्या मैं आपको दिखाऊं, खूबसूरती इतनी है कि कुछ बोलिए नहीं। ऐसा नेचर बहुत दिख रहा है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। रोक दिया लग रहा गाड़ी यहाँ पर। देखिए मैंगलोर आने वाला है, मतलब आ ही गया है लगभग लगभग, और यहाँ का व्यू देखिए आप, बहुत खूबसूरत व्यू है भाई।
और दोपहर का टाइम है, धूप बहुत तेज़ लग रही है, वो भी तो हम एसी में हैं, तो चलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है भाई। स्लीपर में तो हालत ख़राब होगी इस गाड़ी में क्या किसी भी गाड़ी में, लेकिन गर्मी के समय में, समर के समय में। मैं सोच रहा था कि और काफ़ी बड़ा होगा, हो सकता अंदर में देखने मिलेगा, उतनी ज़्यादा भीड़ इस तरफ तो नहीं है, आगे में मिले शायद देखने के लिए। पलक्कड़ रेलवे डिवीज़न का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये साउदर्न रेलवे में आता है। हालांकि इसकी कनेक्टिविटी कोंकण रेलवे से भी है और साउथ वेस्टर्न रेलवे के साथ भी है। इंडिया में टोटल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं, उनमें से एक ये भी है। अच्छा, ये चीज़ अब मुझको पता नहीं है 5 सेंट्रल स्टेशन क्या होता है, अगर आपको इसका मीनिंग पता हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके बताइएगा। और 1907 में ये प्लेटफॉर्म ओपन हुआ था। मैंगलोर नंबर 3 पे हमारी गाड़ी लग रही है, काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है स्टेशन, काफ़ी शांति से लग गई गाड़ी और सामने में खड़ी है लोकल कोई सी। नहीं उतरेंगे, ज़्यादा लोग चढ़ने वाले बहुत कम हैं, आगे थोड़ी सी भीड़ हालांकि दिख रही है। फॉरनर्स भी हैं भाई यहाँ पे, चढ़ेंगे इसी में। 1804 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं मैंगलुरु में, या फिर आप इसको मैंगलोर भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि मुझको पानी देखना है भरना है कि नहीं, और 6 घंटे 13 मिनट डिले हैं। हम लोग 7 घंटे के ऊपर डिले थे लेकिन गाड़ी ने कवर किया। यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, वेंडिंग मशीन यहाँ पे लगी तो हुई है लेकिन बंद है शायद। ये है वेंडिंग मशीन लेकिन ये बंद ही है भाई, मिलता तो 2 लीटर हम ले लेते, चारों तरफ से बंद है। मैंगलुरु कर्नाटका का लास्ट स्टेशन है, इसके बाद हम लोग एंट्री ले जाएंगे केरला में। यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस हैं बहुत सारे वेंडर्स भी हैं लगे हुए हैं साइड में। ये देखिए समोसा नहीं है, और फ्रूट्स में अगर आपको लेना है तो फ्रूट्स के लिए भी सैलेड 20। हाउ मच? 30। अपने पास तो वही लिट्टी है तो हम लोग लिट्टी खा लेंगे, और पानी के लिए वही फिर रेलनी लेना पड़ेगा या फिर लोकल मिलेगा तो कोई वही लेना पड़ेगा। अभी तो है, हालांकि एक बॉटल ले लूँगा तो सही रहेगा। ये मशीन लगी हुई है लेकिन ये भी यहाँ पे बंद है। ये भैया हमको लेके आए हैं, बोले चलो बहुत देर से प्यासे हो तो देख लूँ, तो लेकिन बंद ही मिली। ये भैया अभी जबलपुर से ही हैं, स्टाफ से हैं आप ना, क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी में एसी मैकेनिक हूँ। एसी तो बढ़िया चल रही है यार, बढ़िया सर्विस है। 1-2 लड़के और हैं, इस गाड़ी का जो स्टाफ है ना बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया स्टाफ है। अरे ठीक है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार राजिया। कहाँ रहते हैं आप जबलपुर में? जबलपुर में रहता हूँ, सदर एरिया। अच्छा, बढ़िया सर्विस है इनकी। बात की जाए मैंगलोर की तो प्लेटफॉर्म तो काफ़ी अच्छा है लेकिन पानी यहाँ पे भी लोकल ही मिल रहा है, रेलनी नहीं मिल रहा है। जा रहा हूँ पास में, देखता हूँ बैग से पैसे निकाल के अगर टाइम बचता है तो एक बोतल पानी ले लिया जाएगा। चाय भी अपने को वो वाली नहीं मिल रही है जो मतलब अच्छी लगती है, वेंडिंग मशीन वाली डिप वाली चाय मिल रही है, डिप वाली नहीं पीना रहता है, या फिर जो घर से बना के देते ना जैसे अदरक वाली वो भी चाहिए नहीं। B4 काफ़ी आगे तक चला गया था पानी के चक्कर में लेकिन पानी भी हमको मिला ही नहीं। बॉटल खाली करके रखा हूँ मैंने 2 लीटर वाली, जहाँ मौका मिला अपन फिल कर देंगे लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। पानी मैंने देखिए एक और ले लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो हालांकि यही मिला अपने को लोकल पानी गोल्डन वैली का, और 5 रुपये क्योंकि चेंज नहीं था तो ये टॉफ़ी लेनी पड़ी, 15 रुपये की बॉटल है तो 20 रुपये की पड़ी अपने को। 20 मतलब आप 20 ही मत समझिएगा, इसके लिए तो मैंने 15 रुपये दिया हूँ, 15 रुपये मेरे पास चिल्लर था नहीं तो अब क्या करा जाएगा, 5 रुपये कम से कम टॉफ़ी दिया। कई जगह तो 5 रुपये कुछ भी नहीं देते, बोलते 20 ही दो, तो आप 20 नहीं देना है, 15 ही देना है, याद रखिएगा। लीजिए 5 मिनट बाद डिपार्चर। पानी मिला ही नहीं यार, वही वाला ख़रीदना पड़ा, खर्ची है मेरे को पानी खरीदने में। ये हालांकि मशीन लगी हुई है लेकिन किसी काम की नहीं लगी है। बहुत देर बाद ये स्टेशन आया था जहाँ पे खाने पीने की अच्छी सुविधा थी, अब इसके बाद फिर से और लोकल स्टेशन आएंगे। देखिए ये सारे लोकल पानी ही रखा गया, मुझको समझ में नहीं आता लोकल क्यों रखते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए रेलवेज़ को। जब बोलते हैं कि अप्रूव्ड पानी है रेलवे द्वारा रेल नीट तो उसी को सेल करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर खुशी की बात यह है कि कम से कम चलो
रेट तो सही मिलता है। आपसे और कई सारी बातें करनी थी, लेकिन क्या है बहुत देर में स्टेशन आया उतरा तो इसी सब में जूझते हुए और कोई बात कर ही पाया नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन कौन सा दिखाएंगे तो उसमें बात करेंगे। फिनिश हुआ जी, अब हम लोग आएंगे केरला में, कर्नाटका यहाँ पे फिनिश। कोयम्बटूर का टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी हो गया 8:12 पे। वैसे तो मैं जिन जिन भी सिटीज़ में जाता हूँ कभी ऐसा सोचा नहीं हूँ कि जहाँ जहाँ वहाँ अच्छी अच्छी प्लेसेस हो वहाँ पे जाके घूमा करूँगा, लेकिन कोयम्बटूर में क्योंकि शंकर जी का है आदि योगा जी ऐसा कुछ है नाम, तो वहाँ पे मैं सोचा था जाऊँगा क्योंकि 1:30-2 बजे के आसपास गाड़ी पहुँचाती वहाँ पे हमको, लेकिन अब क्या होगा जा ही नहीं सकते, रात को 8 बजे पहुँचाए क्योंकि नेक्स्ट जर्नी फिर मेरी सुबह में 8:30 बजे से। अच्छा गैप था, जा सकता था, लेकिन इतनी ज़्यादा डिले कर दी यार गाड़ी। अब रात में जाऊँगा तो फिर रात में आने में झमेला होगा, उसने मतलब जा दोबारा आएंगे यार, अब तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, अब ख़त्म नहीं करूँगा इसको, जर्नी करते रहूँगा। एक बार और ट्रिप मारा जाएगा कोयम्बटूर का, और इस बार नहीं जा पाए तो अगली बार आदि योगा जी ईशा फाउंडेशन ज़रूर जाऊँगा। इसीलिए बोला जाता है कि देखिए कुछ काम आप जब करते हैं ना तो बिना मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मैं सोचता था अरे नहीं जाऊँगा छोड़ो तो, लेकिन जब जर्नी पे आया ना ट्रेन जर्नी में ये वाली, तो मतलब इस गाड़ी में बैठने के बाद तक भी मैं ये सोच रहा था अरे नहीं जाऊँगा रहने दो, लेकिन बैठने के बाद जब थोड़ा सा ट्रैवल किया, थोड़ा बात किया लोगों से, तो लगा यार जाना चाहिए, तो ले ऐसा कर दिया गाड़ी ने कि जा ही नहीं सकते, 6 घंटे को ऊपर लेट हो गई यार। अब जाऊँगा लंच करूँगा, मैं वही लिट्टी खाऊँगा और कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि उसको ख़त्म भी तो करना है ना दोस्त। ध्यान दीजिएगा, भले आपको सुन के लगे कि अरे ज्ञान की बात पटक रहा है, लेकिन सही बात है, आपके मुंह से निकली हुई या आपके दिमाग में सोची हुई कोई भी एक बात, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सच हो जाती है, इसलिए इंसान को कभी भी पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। ऐसा मैंने देखा हूँ, ऐसा मैंने फील भी किया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी चाहे सिचुएशन कितनी भी ऑड हो जाए, चाहे आपके साथ भी लाइफ में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ। क्या शानदार ब्रिज है भाई, थोड़ा सा जस्ट अभी निकल चुका है, मैं देखा तो आया सीट से, लंच करने चला गया था, खाना निकाल के फिर अंदर रख के फिर आया हूँ, सोचिए आप। बदबू लेकिन बहुत आ रही है यहाँ, शायद पानी गंदा है, काला काला दिख रहा है। खूबसूरत दृश्य है यार, सुनेंगे आप। ये जो नदी आपने देखे ये थी नेत्रावती नदी, लेकिन स्मेल इतनी ज़्यादा मार रही थी कि लगभग हम लोग 200 मीटर और आगे आ चुके हैं, अभी तक उसकी स्मेल आ रही है, पानी थोड़ा सा काला काला टाइप का दिख रहा था। अब जा रहा हूँ लंच करने यार थोड़ा सा बिल्कुल मुझको लगता है 50-100 मीटर की नदी आप स्किप कर दिए, बाकी पूरी नदी मैंने आपको दिखाया। कौन सी थी? नेत्रावती नदी। अब चलते हैं लंच करने, लेकिन पता नहीं काली काली थी, आप बताइएगा अगर आपको पता हो तो क्यों स्मेल मार रही थी, शायद इसी नदी का होगा, अभी तक भी हल्की फुल्की स्मेल आ रही है, काला काला पानी उसका दिख रहा था। लेकिन भाई यहाँ की जितनी नदियाँ देख रहा हूँ ना, सारी नदियाँ डरावनी टाइप की दिखती है, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे कि पूरा पानी एकदम बहुत ज़्यादा लहर मार रहा है। सिर्फ एक ही नदी में नहीं, जितनी भी नदियाँ दिख रही, ऐसे छोटे छोटे तो कितने निकल गया नहर टाइप का, दिखाई नहीं पा रहा हूँ, जैसे देखता हूँ यहाँ तक आऊँगा उतने में निकल जाएगी, तो हवाएँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और लहरें भी बहुत ज़्यादा हैं, डरावनी। देखिए दिक्कत तो सबके साथ है, सबके जीवन में है, अपने जीवन में थोड़ी बहुत, मैंने ये चीज़ निकाल के रख दिया था, जैसे ही मैंने निकाला हूँ वैसे ही नदी आ गई थी, तो मैं तुरंत उठ के चला गया, बैग ऊपर रख दिया था, अभी आया हूँ और अब इसको खाएंगे, कोई 4-5 खाएंगे, उसके बाद डिनर का कुछ अभी होश नहीं है, डिनर करते समय हो सकता है गाड़ी से उतर जाएंगे तो कोयम्बटूर के बाहर खाएंगे। एक लड़का बता था कि 1 रुपए में यहाँ पे बहुत सस्ता खाना मिलता है, अब वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोलेंगे नेक्स्ट जर्नी में बता पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल में इसका मज़ा लिया जाए। वही अपनी घिसी पिटी नहीं है यार, अच्छी लिट्टी है, ये पेट भर देता है और ये अपना हर जर्नी का ब्रह्मास्त्र है। जय श्री सीताराम। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे ना तो सारी वीडियोस में मैं ये दिखाता हूँ, आपको भी लगता होगा क्या दिखाता रहता है, लेकिन भाई जो खाऊंगा वही तो दिखाऊंगा ना। मैं सोचा वो फ्रूट वाला लेने को, लेकिन क्या है कि
ज़्यादा लगा मेरे को महंगा, 30 रुपये का, 20 रुपये का मिलता था मेरे। जब आपकी जेब में पैसे नहीं रहते ना, आपको कई चीज़ें महंगी लगती हैं, मेरे को 10 रुपये की चाय भी महंगी लगती है, क्या करोगे। ठीक है, बोला था मैं कट जाएगा। एक बहुत अच्छा कोट था, तो बोलते थे कि यार बुरा समय गुजर जाएगा, बुरा समय कट तो जाता है लेकिन काटता बहुत है, बस वही बात है। अभी अपने को काट रहा है लेकिन ठीक है, अपन इसको काट देंगे एक दिन, ऐसे ही काम कर करके, मेहनत कर कर। बेंगलुरु का टाइम था सुबह में 6:35, लेकिन हम लोग पहुँचे कब थे, 1 बजे के बाद। अभी हो रहा है 1:24 और लंच अपना हो रहा है 1:24 पे। ब्रिज की बात कर रहा था, छोटे छोटे से आ जाते हैं। काफी खूबसूरत अराइवल हो रहा है यहाँ पे। सबवे है भाई यहाँ पे, 2 सबवे तो ऐसे ही निकल गए, एक पहले निकल गया। सामने गाड़ी खड़ी है, तमिल में लिखा है भाई, कन्नूर से थ्रिसुर, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। हमारे कुछ को पैसेंजर्स ने फूड ऑर्डर किए हैं किसी होटल से, तो शायद कन्नूर में आएगा वो लेके, 26 में शायद आगे वो बंदा जा रहा है। टोटल हम लोग ने डिस्टेंस कवर कर लिए 19:37 और यहाँ पे हम लोग लेट हैं 6:31। जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा था ये खड़ा है, इसका इंजन है वेब 4। कन्नूर की अगर बात करूँ तो ये एरिया और नंबर ऑफ ट्रैक्स के मामले में नॉर्थ मालाबार रीजन का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नॉर्थ इंडिया जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे हॉल्ट करती हैं, तो इस स्टेशन को आप हल्के में मत लीजिएगा। 3 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है हमारी गाड़ी का, और 1907 में ये रेलवे प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ था। जो चीज़ आपको सबसे पहले बोलना था वो चीज़ मैं आपसे सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, केरला में आपका हार्दिक स्वागत है। अब इसको या फिर मैं कन्नूर बोलूँ या फिर कन्नौर बोलूँ, अभी का नाम इसका कन्नूर है लेकिन पुराना नाम है इसका कन्नौर। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, और कनाडा आपने सुने होंगे ना, तो कनाडा नहीं, यहाँ का स्टेशन कोड है CAN, तो CAN से मेरे को कनाडा की याद आ रही है। ये सामने आई गाड़ी अभी अभी, नगरकोली जंक्शन, कौन सी गाड़ी है भाई, मैंगलोर सेंट्रल से नगरकोली जंक्शन, सब ICF रैक के साथ चल रही हैं। ये वाला अगर इंजन मैं आपको दिखाऊं लोगों को सामने से, गाड़ी हमारी खुलने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा अलग टाइप का है, नहीं तो वेब 7 वेब 9 अलग लोगों को दिखता है और ये वेब 4, ये वाला अलग लोगों को है। अच्छा, मैंने अपनी जो टिकट कराया था स्लीपर में कराया था, वो तो अपग्रेड कर दिया गया है, केवल मुझको नहीं बहुत सारे पैसेंजर्स को भी अपग्रेड किया गया है स्लीपर से 3rd AC में, और 39 घंटे की जर्नी को इसने मतलब 6 घंटे से ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे डिले हैं 40-45 घंटे की कर दिया। और सही बता रहा हूँ, अगर स्लीपर में जर्नी कर रहा होता ना तो भाई हालत ख़राब हो जाती, ना धूल आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है, कपड़े वपड़े भी अभी एकदम बिल्कुल सही हैं। मतलब लॉन्ग जर्नी अगर आपको करना है तो मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि अगर 3rd AC में जर्नी करेंगे तो सही होगी, क्योंकि स्लीपर की जो स्थिति होती है मैं जान सकता हूँ कैसी होती है, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की ट्रेनों में। ये वाली तो ठीक है, इसमें तो दिक्कत होगा नहीं क्योंकि साउथ की ट्रेनें खाली खाली चलती हैं, लेकिन नॉर्थ की ट्रेनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि आप 3rd AC में करें सफ़र। हाँ, स्टॉल तो यहाँ भी था एक तो थे, लेकिन पानी वही यहाँ भी लोकल मिल रहा है, रेलनीर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है कन्नूर, ये देखिए फैंसी नल लगे हुए हैं भाई, 2 नल लगे हुए हैं, नहीं तो एक सिंगल नल दिखता है। ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म है नहीं, केवल 4 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे,
लेकिन साफ सफाई के मामले में एक नंबर लग रहा है भाई। इसके ये वाइंडिंग मशीन यहाँ भी है लेकिन बंद है। दो स्टेशन देख लिया इसके पहले भी, जहाँ पे मैं रोका था वो भी वहाँ पे भी बंद था, यहाँ पे भी बंद है। स्टेशन बोर्ड वड़करा, अभी ये प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है, समझ में आएगा आपको कैसे। मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में गाड़ी का पूरा अराइवल हो जाए तब, क्योंकि आधी जगह उठा हुआ प्लेटफॉर्म है। एक मिनट दिखाई दूँ नहीं तो फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उठा है, अभी इसको और ऊपर किया जाएगा। आगे से बराबर है प्लेटफॉर्म, यहाँ से बराबर है। सही दिख रहा है यार बाहर भी, यहाँ से पार्किंग आपको यहीं से दिख रही है सामने में। केरला कैटरिंग स्टॉल भी है यहाँ भी, वैसे ही लोकल पानी है। चेयर्स देखिए कितनी सारी है बेहतरीन। विशाखापट्टनम में भी ऐसे ही सारी चेयर्स लगी हुई हैं बीच में। जबलपुर में मैं दिखाया था आपको एक दूसरे साइड लगी हुई थी, ऐसे मैं सोच रहा था कि बीच में स्टेशन में मिले ना तो बैठने के लिए बहुत सारे यात्री बैठते हैं, लेकिन साइड वाइड में लगी रहती है तो दिक्कत होती है। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो जबलपुर में सिर्फ ऐसी व्यवस्था है बैठने के लिए, जितनी चेयर्स यहाँ पे मैंने दिखाया आपको उतनी मात्रा में चेयर्स जबलपुर में नहीं है। केवल दो मिनट गाड़ी रुकेगी और उसके बाद यहाँ से निकल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर एक पे लगी है हमारी गाड़ी और अभी भी ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच का जो सेक्शन है ना, मेन जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा ये लोग आगे का और थोड़ा सा पहले का उसको और हाइट ऊपर कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा करीब से चल के दिखाऊं तो अच्छे समझ में आएगा। जो आपको ये गैप दिख रहा है ना गाड़ी के और इसके बीच में, ये वाला गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसके हाइट को और इतने ऊपर तक उठाया जा रहा है आगे से। जैसा मैंने आपको अराइवल में दिखाया था तो पीछे छूट गया वो सेक्शन, और अभी आगे जब गाड़ी निकलेगी यहाँ से तो दिखाएगा। मेन सेक्शन में जहाँ पर ये शेड लगा हुआ है, वहाँ भी तो खैर शेड लगा हुआ है, हो सकता है धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ाएंगे और हाइट बढ़ाएं, क्योंकि आधा में उधर है आधे में इधर है। एक ही बार में कर देंगे तो यात्री को परेशानी होगी, इसलिए आधे सेक्शन को पहले करेंगे आधे सेक्शन को बाद में करेंगे, ठीक, या बोल सकते हैं रिपेयर। हालांकि रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सफाई वाला देखिए वहाँ पर घूम रहा है और साफ़ सफाई अच्छी तगड़ी है इस प्लेटफॉर्म पर। चेयर्स मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पर जितनी लगी हुई। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना यही चीज़ है, आधे में ये लोग देखिए अब उठा दिए हैं प्लेटफॉर्म, आधा बनाएंगे क्योंकि एक बार में प्रॉब्लम हो जाएगा सारे पैसेंजर्स को। कुछ ही पैसेंजर्स उतरे हैं, उसकी हाइट ऊपर हो जाएगी तो उतरने में और आसानी होगी, बाकी अभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोझिकोड़े देख रहे हैं आप, सिटी अच्छी है, स्टेशन क्या बोल लीजिए, हम अभी गाड़ी में ही हैं और बगल में ही प्लेटफॉर्म, क्या बोल रहे हैं यार रोहित, ट्रैक के बगल में एक सिटी। देखिए क्या बड़ी सी लग रही है भाई, खूबसूरत सिटी लग रही है। फोर व्हीलर दिख रही हैं, बिल्डिंग्स, पैरामाउंट टावर, काफ़ी चहलकदमी है इस सिटी में भाई। लीजिए मोहब्बत से अराइवल लीजिए आप। कहाँ का बताते हैं, कोझिकोड, हिंदी में कोझिकोड में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा होगा तो उसको प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सिकंदराबाद की याद आ गई यार, ऐसे ही चमक रहा था सिकंदराबाद का स्टेशन। वेंडिंग मशीन यहाँ भी है लेकिन बंद पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत देर बाद ऐसा प्लेटफॉर्म देखने मिला है बड़ा सा, काफ़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म। ये पता नहीं क्या लिखा है, मुझको लगता है स्टेशन का नाम ही होगा जो कि तमिल में लिखा होगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इस गाड़ी में वैसे लग नहीं रहा चढ़ने वाले होंगे, थोड़े बहुत होंगे तो होंगे, बाकी दूसरी गाड़ी की भी। वाह, खाने वाने की व्यवस्था सब, IRCTC, फूड ऑन ट्रैक, सारा चीज़ है, स्टॉल्स भी हैं,
पानी लेकिन लोकल दिख रहा है यहाँ भी। नो बिल नो पेमेंट ऑप्शन तो लिखा हुआ है लेकिन पानी पूरा लोकल है। आगे आ गए बहुत हम लोग। हाँ यही मैं दिखा रहा था आपको, तमिल में लिखा था, ये हिंदी में ये लिखा हुआ। अभी हमने 2026 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर कर लिए हैं और अगर केरला के बड़े स्टेशनों में अगर गिनती की जाएगी तो इन भाई साहब का भी नाम आएगा कि हाँ भैया हम भी बड़े हैं। कोझिकोड, अब थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। इस स्टेशन को कालीकट रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। चार प्लेटफॉर्म का बहुत खूबसूरत रेलवे प्लेटफॉर्म है ये। अच्छा, अब चार प्लेटफॉर्म के अलावा पता नहीं दो टर्मिनल्स भी हैं, अलग से दो टर्मिनल्स हैं कि इन्हीं चार में इंक्लूड है पता नहीं, आप बताइए अगर कमेंट करके आपको पता हो तो। अगर आपको ये नहीं पता कि टर्मिनल क्या होता है तो टर्मिनल वो होता है जिसके आगे से गाड़ी जाती नहीं है, मतलब जैसा गाड़ी के बीच में, मैं आपको इमेज ला के दिखाऊंगा, हावड़ा में हावड़ा के आगे गाड़ी जाती नहीं, तो वो गोल सा लगा रहता है ना, वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल के आगे गाड़ी जाती नहीं है। ये प्लेटफॉर्म 2 जनवरी 1888 को ओपन किया गया था। बहुत बेहतरीन खूब क्या बोलूँ यार, वेंडिंग मशीन एक तो ये भी है लेकिन ये भी बंद है, पता नहीं क्यों। इस रूट में मैंने देखा कई सारी जो वेंडिंग मशीन लगी तो हुई है लेकिन सारी वेंडिंग मशीन बंद है क्यों। स्टेशन के बगल में ही आप देखिए कितनी सारी पार्किंग है, बाइक्स भी हैं, सारा कार्स भी पार्किंग है, अरोरा टूरिस्ट हो, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लग रहा है। जब यहाँ पे अराइवल ही हुआ था गाड़ी का ना अपनी, सच में मुझको लगा सिकंदराबाद में आ गया हूँ, उतनी ज़्यादा साफ सफाई, ऐसे ही सिकंदराबाद का स्टेशन भी चमक रहा था और लगभग उसके जैसा ही लग रहा है। नंबर एक पे हमारी गाड़ी आके लगी है यहाँ पे। कई लोग खाने के लिए मंगाए हैं फूड प्लाजा से, बाहर से शायद मंगाए हैं, तो सॉरी। CLT यहाँ का स्टेशन कोड है। अरे मुझको यहाँ पे एक दोस्त मिल गए थे, उन्हीं से बात करने लगा था तो मैं आपको ज़्यादा कुछ बता ही नहीं पाया। अच्छा देखिए गाड़ी ही खुल गई यहाँ पे। पर डे 28,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और इसको अगर बोलूँ तो केरला का सबसे बड़े, मैंने बताया ना, प्लेटफॉर्म की गिनती में आता है। अब सोचने वाली बात ये है, मैंने आपको रायपुर भी दिखाया हूँ जहाँ से 500,000 पर डे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और यहाँ से कितने हो रहे हैं, सिर्फ 28,000। इसके पहले भी जो एक दो स्टेशन आए थे वहाँ से भी कितना मैंने बताया था कि कहीं से 28,000, कहीं से 20,000, कहीं से 25,000। पॉपुलेशन के हिसाब से पता नहीं क्यों कम ट्रैवल करते हैं लेकिन अगर बोला जाए तो केरला में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गिनती में आ रहा है और पैसेंजर्स कितने, केवल 28,000 ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा अजीब लगता है, शॉकिंग लगता है लेकिन यही सच है। देखिए अब क्या डिपार्चर देखा, थोड़ा बहुत और बात करना था। एक तो कोई कोई मिल जाता है तो क्या करें, पूरा बात ही होने लगती है, समय ही निकल जाता है। कौवा यहाँ पे देखिए पानी पी रहा है नल से। फिनिश ही हो गया प्लेटफॉर्म। चलिए फिर भी लगभग जितनी बातें करनी थी हम कर चुके, आगे जाके और थोड़ी बहुत आपसे बात कर लूँगा मैं। शोरपुर जंक्शन, शोरानूर इंग्लिश में कुछ है प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में कुछ लिखा है, शोरानूर इंग्लिश में, हिंदी में शोरपुर, शोरोन सॉरी। एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म है, हालांकि थोड़ा सा ओल्डिश टाइप का लग रहा है लेकिन साफ सुथरा है। स्टॉल की शुरुआत हो गई यहीं से। मैंने देखा इस रूट में, मुझको लगता है कर्नाटका के बाद से क्या नंबर वाली काउंटिंग है, डिस्प्ले यहाँ पे लगाया नहीं गया, जैसे हम लोगों को दिखाता है S1, S2, S3, B1, B2, B6, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है। जैसे देखिए ये मैंने आपको एक बार और दिखाया था 14, 16, 13 ऐसे, लेकिन इसमें क्या समझ में आएगा, साउदर्न रेलवे में है क्या इस टाइप का कुछ। वेंडिंग मशीन यहाँ भी है लेकिन बंद है। शोरनूर पलक्कड़ रेलवे डिवीज़न में आता है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला के। अब क्योंकि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है तो पलक्कड़ रेलवे डिवीज़न के साउदर्न रेलवे में आता है शोरनूर।
21-12 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर चुके हैं अब तक। शोरूम यहाँ पे हम अब पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिले हैं 6 घंटा 41 मिनट। 7 प्लेटफॉर्म का ये बहुत तगड़ा रेलवे स्टेशन है। 14 अप्रैल 1862 में ये प्लेटफॉर्म ओपन किया गया था। एरिया वाइज अगर बात किया जाए तो इन भाई साहब का नंबर केरला में एक पे आता है। एरिया वाइज में केरला का सबसे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है ये शोरूम। और बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पर उतरे हैं। उतरने के बाद देखिए सीधे लिफ्ट से जा रहे हैं। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म लग रहा है और सनराइज जस्ट अभी अभी हुआ है। सामने वाला प्लेटफॉर्म भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार। हालांकि कई चीज़ें बंद है, अभी जितनी शॉप्स यहाँ पे बंद हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। एक स्टॉल ये है शोरनूर से। अरे यार इतनी जल्दी खुल गई, 5 मिनट का हॉल्ट था लेकिन जल्दी खुल गई। चाय पीने का मन था, मैं चाय भी ले नहीं पाया। यहाँ से पर डे 11,132 पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं। सोचिए केरला का सबसे एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके बाद भी केवल 11,000 ही पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं। क्या यार, चाय भी नहीं ले पाए, हद है। ऐसे गाड़ी डिले चल रही है 6 घंटा 42 मिनट। बताइए प्लेटफॉर्म पे आके अगर थोड़ा दौर और रोका होता तो क्या बिगड़ जाता है। 5 मिनट में ही निकाल दिया। बड़ी देर से चाय पीने की इच्छा हो रही थी। चाय भी यहाँ पे वो वाली मिल रही है, डिप वाली, पसंद नहीं थी लेकिन लेते उसी को मजबूरन में, वो भी नहीं ले पाए। नमकीन देखते हैं, मन करेगा तो वही खाएंगे, क्या कर सकते हैं। जितनी नंबरिंग की गई है देखिए, 4 उसके बाद 3, इसमें पता नहीं क्या समझ में आता है। ये बिल्कुल ओल्ड पैटर्न वाला टाइप का लगता है, लेकिन बढ़िया रेलवे स्टेशन। कौवे यहाँ पे दिखते हैं, विशाखापट्टनम में भी मैं गया था तो कौवे दिख रहे थे, यहाँ पे भी कौवे दिख रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो ये देखने ही नहीं मिलते, कौवों की प्रजाति ही ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा वहाँ पर। इस बोर्ड को चाहिए कि थोड़ा सा रिपेयर किया जाए, बहुत पुराना है। ये गाड़ी आ रही है जबलपुर से, तो इसमें स्टाफ भी जबलपुर के चढ़े हैं। ये भाई भी जबलपुर का, साइड हो जाइए थोड़ा, और पीछे में एक भाई है वो भी जबलपुर का है, एक और हैं, कई स्टाफ जबलपुर का। और इन लोग बहुत शानदार हैं, मतलब बिल्कुल हेल्पफुल नेचर के हैं। मैंने आपको बताया ना, एक बेडरोल रात को कम पड़ गया था, दोबारा मैंने मांगा ये लोग से, ये लोग दिए। और इस रूट में आप पहली बार आ रहे हो ना, इसके पहले कहाँ जाते थे? सोमनाथ हुई। तो दोनों की बॉन्डिंग हमेशा ही रहती है, ऐसा नहीं कि कोई अलग में चले जाए आप अलग में चले जाए, सब ग्रुप साथ चलता है। अच्छा, मतलब एक ग्रुप को उठा के दूसरी जगह पटकेगा, पूरा ग्रुप ही उठाता है एक बार में। पूरा साइड अपने ऊपर रहता है कौन सी गाड़ी तुम लेके जाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट में कहाँ जाओगे? फिर से सोमनाथ। ठीक है, बढ़िया नेचर है आप लोग का। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल आगे विश्वकर्मा। और आपका? तुलसी। क्या नाम है यार, तुलसी ठाकुर, तुलसीदास हो जाते आप कुछ दिन में। केवल ट्रैक साउंड सुनिए। नमकीन थोड़ा अच्छे से दिखाऊँ आपको, उजाले में अच्छे से। नमकीन में है मूंगफली, ये है होममेड नमकीन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नमकीन को बनाई है मम्मी ने, तो नहीं नहीं चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, नॉइज़ तो ऐसे भी थोड़ा बहुत आता ही रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नमकीन को बनाई है मम्मी ने, तो क्योंकि चाय मिली नहीं तो भाई नमकीन खाने का मन कर रहा था, नमकीन ही खा लियो। अगले स्टेशन पे मैं आपसे कुछ भी बात करने नहीं वाला हूँ, सीधे जाऊँगा, पहले चाय लूँगा, चाय पीऊँगा, उसके बाद मिलूँगा। वैसे भी अगला स्टेशन आने वाला है, उसके बाद सीधे आएगा कोयम्बटूर। तो केरला का
अगला स्टेशन जो आएगा ना वो लास्ट स्टेशन है, उसके बाद हम लोग तमिलनाडु में एंट्री लेंगे। जैसे ही एंट्री लेंगे वैसे ही हमारा एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको कोयम्बटूर तक ही तो बस जाना है। नमकीन बड़ी टेस्टी लगती है भाई, देखो करीब से देखो, ये लो, देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मुझको खाने में आ रहा। पलक्कड़ जंक्शन काफी तेज अराइवल हो रहा है यहाँ। केरला का ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद तमिलनाडु में हम बताया ना मैंने एंट्री करेंगे और वहीं एग्जिट हो जाएगा हमारा। बाय बाय केरला। पालघाट जंक्शन लगता है इसका एक और नाम है पालघाट, देखा नहीं मैंने क्योंकि इस बार क्योंकि मेरे को चाय पीना है। बात करने लग जाता हूँ आपसे बिल्कुल टाइम ही निकल जाता है यार। अब यहाँ पे अगर चाय पियेंगे नहीं तो फिर सीधे 8:30 बजे हम कोयम्बटूर में मिलेगा, फिर तब चाय का क्या, तब डिनर का टाइम हो जाएगा। भाई रेल नीर पूरे रूट में ही नहीं है, लगा दे ब्रेक लगा दे यार, स्टॉल यहीं पे है। आगे ले गया। गाड़ी यहाँ पे केवल 3 मिनट रुकेगी। लास्ट स्टेशन पे मैं आपसे बात करता रह गया, मैंने पॉपुलेशन आपको बताया ही नहीं। अभी पूरी जर्नी लगभग कंप्लीट होने को आई है, वहाँ पे मैं सोच रहा था आपको बताऊंगा लेकिन वही है, गाड़ी चलती बता ही नहीं पाया। चाय भी है? चाय यहाँ भी चाय नहीं। चलो पॉपुलेशन ही सुन लो आप, क्या चाय पी ही नहीं पाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं चाय, बहुत उधर तक जाना पड़ेगा, फिर बहुत उधर तक जाएंगे गाड़ी चल देगी, 3 मिनट का ही केवल हॉल्ट है भाई। देखिए हम लोग 6 स्टेट्स को कवर किए ना, तो पॉपुलेशन आप लाइन से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन बताता हूँ। सबसे पहले हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट था मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 7 करोड़ 26 लैक्स, ये लगभग बता रहा हूँ अराउंड में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डॉट ही फिगर है। उसके बाद हम पहुँचे थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11 करोड़ 23 लाख। महाराष्ट्र के बाद थे हम गोवा में, तो गोवा भाई करोड़ में तो है ही नहीं, गोवा केवल लाख में खेल रहा है, कितना, केवल 14,58,000। इसके बाद हम आए थे कर्नाटका में, तो कर्नाटका वही 6 करोड़ कुछ लाख के आसपास है। कर्नाटका के बाद हम अभी खड़े कहाँ पे, केरला में, तो केरला का भी 3 करोड़ 30 लाख। और अब जब हम पहुँचेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु लड़ाई कर रहा है हमारे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की थी ना 7 करोड़ कितना 26 लाख, और तमिलनाडु का है 7 करोड़ 2 लाख के आसपास। मतलब दोनों एक ओरिजिन पॉइंट और एक डेस्टिनेशन पॉइंट, तगड़ा बहसबाजी या फिर लड़ाई चल रही दोनों में। अब क्या ही डिपार्चर मैं आपको इसका दिखाऊं, 3 मिनट में गाड़ी निकल गई और वेंडिंग मशीन यहाँ भी है लेकिन बंद है। इस रूट में सारी वेंडिंग मशीन लगा के तो रखें लेकिन पता नहीं क्यों बंद है अभी तक। और यहाँ पे हम लोग डिले हैं 6 घंटा 18 मिनट के आसपास। अब फाइनल में आपको सीधे डेस्टिनेशन पे मिलूँगा कोयम्बटूर में। रात हो गया है जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मिलो। वाह जी वाह, कोयम्बटूर में आपका हार्दिक स्वागत है। सामने भी लगी है कोई सी गाड़ी, अभी खुली नहीं है। क्या प्लेटफॉर्म है यार, एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा था उसी में आ गया प्लेटफॉर्म, सिंपली अमेजिंग। इसका मैं कंपैरिजन कर दूं, कोयम्बटूर का कंपैरिजन मैं कर सकता हूं विशाखापट्टनम से, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लग रहा है मुझको विशाखापट्टनम जैसा, हालांकि उससे बहुत अच्छा बोल सकता हूँ लेकिन फिर भी विशाखापट्टनम टाइप का है थोड़ा बहुत कोयम्बटूर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन बोर्ड यहाँ पे ये जो लगे ना ग्रीन ग्रीन वाले, ये अच्छा लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया है गाड़ी। एसी पेड वेटिंग हॉल यहीं सामने में है। भाई बहुत ज़्यादा डिले कर दी इस गाड़ी ने, यहाँ पे हमको दिन में आना था सोचिए, और 20:24 पे आ रहे हैं। टाइम कितना था, 2:40 आई थिंक। कितना ज़्यादा डिले कर दी भाई, 5 घंटे 38 मिनट डिले हो गए हम लोग, 6 घंटे 7 घंटे तक भी पहुँची थी डिले में, लेकिन थोड़ा सा कवर किए।
लीजिए जी, फाइनली 2212 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 3 दिन बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। ये हम एंट्री लिए तमिलनाडु में ही, एग्जिट कर दिए। गाड़ी मेरे यहाँ पे बगल में लगी थी लेकिन अभी गाड़ी लेके चले गए हैं। 5 घंटा 38 मिनट डिले आए हैं। जो गाड़ी हमको लेके आई थी उस गाड़ी का इंजन तो उसको नहीं ले गया, गाड़ी आके ऐसे लगी थी, देखिए उसका इंजन ये आ रहा है। मैं थोड़ा सा शूट करने लगा था, थंबनेल खींचने लगा था, गाड़ी आके ऐसी लगी थी और यही इंजन चला रहा था। अभी इंजन फिर से वापस जा रहा है, गाड़ी जाके आगे जा चुकी है। गाड़ी थोड़ा अलग टाइप का ये इंजन है। कोयम्बटूर के बारे में वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला इसके पहले चेन्नई है, और ये नेयाल नदी के तट पर स्थित है और पश्चिमी घाट से कोयम्बटूर घिरा हुआ है। वैसे तो कोयम्बटूर में घूमने लायक बहुत सी जगह हैं, लेकिन एक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दर्शनीय है यहाँ का ईशा योगा सेंटर। वहाँ पे शिवजी की प्रतिमा बनी है और वो प्रतिमा 112 फीट ऊंची है। मेरा मन था जाने के लिए, लेकिन वही है कि डिले हो गया, उस चक्कर में नहीं जा पाऊँ क्योंकि अब नेक्स्ट जर्नी मेरी होने वाली है। इस मूर्ति की हाइट तो मैंने आपको बता दिया 112 फीट, लेकिन चबूतरे पर ये मूर्ति 45 मीटर लंबी और लगभग 7.5 मीटर चौड़ी है। 24 फरवरी 2017 को इस प्रतिमा का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इस मूर्ति को सबसे बड़ी बस्ट मूर्तिकला के रूप में मान्यता दी गई है। ओवरऑल अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत स्मूथ जर्नी रही। इस गाड़ी में पेंट्री कार की कमी तो मुझको लगी, पेंट्री कार होना था, क्योंकि 39 आवर की जर्नी हम लोग कितने 45 आवर में पूरा कंप्लीट किए हैं। अब सोचिए आप, एक चाय वाला भी नहीं आ रहा था, ना कुछ भी नहीं आ रहा था भाई सेल करने वाला, ना चाय, ना पानी, ना कुछ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। बाकी देखिए, चार्जिंग पॉइंट में मुझको तो लगता है कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब हम तो थर्ड एसी में कर लिए सफर, तो हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि 6 लोग में सिर्फ 1 सॉकेट दिया गया है इस तरफ, और उस तरफ 2 लोग में 1 सॉकेट, मतलब 8 लोग में कुल मिला के केवल 2 चार्जिंग सॉकेट। तो स्लीपर में तो प्रॉब्लम होगी, थर्ड एसी में नहीं हुई। और भाई गुटके के लिए बात करूं तो इस गाड़ी में गुटका तो कोई खा ही नहीं रहा था भाई, बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा था, बेसिन पूरा साफ सुथरा था। मुझको लगता है साउदर्न रेलवे में ये चीज बैन है गुटका, और मेरे को तो पूरा मतलब इस वीडियो के जरिए मैं बोलूंगा कि पूरा इंडियन रेलवे को बैन ही कर देना चाहिए गुटका, क्योंकि पूरा चोक कर देते हैं खा खा के यार बेसिन। और बाथरूम इस ट्रेन का 1 नंबर था, मतलब मैं तो बोलूँगा अगर घर जैसा बाथरूम ना तो बिल्कुल सही है। थर्ड एसी का तो ऐसा ही था, पूरा मतलब पूरे जबलपुर से लेके यहाँ तक फ्रेग्रेंस ही अच्छी आ रही थी, फिनाइल शायद रखे हुए थे तो उसी की खुशबू आ रही थी, सब कुछ एकदम चकाचक था। जर्नी मतलब कुल मिला के टोटली ऑल फाइन थी। बस ये है कि ये गाड़ी डिले हो रही है। वो जो लड़के रहते ना काम करते, वो लोग से मैं पूछा तो वो अभी अब पिछले 5 महीने से इस गाड़ी का यही हाल है, ऐसे ही डिले हो रही, कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा। बोलता है मिनिमम 5 आवर तो फिक्स ही मान के चलो इस गाड़ी का। और जो क्लीनिंग स्टाफ वाले रहते हैं ना, OBHS स्टाफ वाले, वो लोग पानी बेच रहे थे, हालांकि लोकल पानी था, कभी कभी बेच दे रहे थे, वो भी 20 में बेच रहे थे। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है यार क्या करना, मैं वीडियोस के जरिए आपको बता देता हूँ कि कभी भी पानी लें तो 15 रुपये का ही लें, कोई अगर बोलेगा नहीं तो वो लोग 20 का देंगे। मैं ज़्यादा शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार कमा लो, कमाना है तो क्या बोलूँ यार, अब गलत भी हो सकता है ये, सही भी हो सकता है, लेकिन ठीक है मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। कभी कभी बोल देता हूँ 15 का दूध दे देता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 ही दाम है उसका, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम, मेरे मम्मी और पापा के आशीर्वाद की वजह से ये जर्नी भी कंप्लीट हो गई, और अब जाऊंगा मैं डिनर करने, क्योंकि भाई खाने पीने की सुविधा तो इस गाड़ी में थी नहीं। मिलो, गुड नाइट, आई लव यू यार, गले लग जाओ भाई, रात हो गई है यार।